वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। केंद्र और सभी राज्य सरकारें इससे बचने के हर संभव उपाय करने में लगे हुए हैं। ऐसे समय में जब इस महामारी के कारण पूरा देश परेशान है, इसी बीच कई ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो परेशान करने वाली है। दरअसल राजस्थान के कोटा में कुछ महिलाओं द्वारा प्लास्टिक की थैलियों में थूक कर कुछ घरों में फेंकने की तस्वीरें सामने आई थी। इस खबर के आने के बाद से लोग काफी परेशान हो गए, लेकिन अब राजस्थान की कोटा पुलिस की तरफ से इन महिलाओं को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर सूचना दी जा रही है। पुलिस ने 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा पुलिस ने कहा है कि ये महिलाएं प्लास्टिक की थैलियों में थूक कर घरों में फेंक रही थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये मामला कोरोना वायरस संक्रमण फैलाने से नहीं जुड़ा हुआ है। ये महिलाएं भीख मांगने के लिए इलाके में गई थी, लेकिन जब उन्हें कोई भीख नहीं मिली तो उन्होंने थूक दिया। आपको बता दें कि यह घटना वल्लभवाड़ी इलाके का है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए राज्य में अभी सार्वजनिक रूप से थूकने पर बैन लगा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है। कोटा के SP गौरव यादव ने कहा कि CCTV फुटेज के आधार पर इन महिलाओं की तलाश की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जांच और पूछताछ में यह पाया गया कि यह घटना कोरोना वायरस के संक्रमण से नहीं जुड़ी है। उन्होंने कहा कि ये महिलाएं इलाके में भीख मांगने के लिए गई थी, लेकिन जब उन्हें किसी ने भीख नहीं दी तो उन्होंने प्लास्टिक की थैलियों में थूक कर घरों में फेंक दिया। वहीं आपको बता दें कि कोटा में सोमवार को कोरोना पॉजिटिव 9 मामले पाए गए हैं। इसके साथ ही यहां कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। राजस्थान में सोमवार को कोरोना वायरस के 93 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले जोधपुर और जयपुर में मिले हैं। जोधपुर में सोमवार को कोरोना के 31 और जयपुर में 29 मामले सामने आए हैं। आज सुबह 11:30 बजे के आसपास वल्लभवाड़ी एरिया में 3-4 लेडीज और उनके साथ 1-2 बच्चे हमारे घर के बाहर से निकल रहे थे। इतने में ही हमने देखा कि वो प्लास्टिक की थैलियों में थूक कर और गंदगी करके सभी मकानों में उनके गेट पर लगाने लगे। हमें शक हुआ तो हमने जानकारी मालूम पड़ी। जब तक उन्होंने सारे घरों में जितने भी हमारे वल्लभवाड़ी के मकान है पूरी लाइन में उन्होंने सारे गेटों पर इस तरह की गंदगी फैलाकर और घरों में फेंक कर चले गए। जब हमने उनका पीछा किया तो वो हमारे यहाँ से भाग गई। हमें शक हुआ, हमने तुरंत कंट्रोल रूम कोटा पुलिस स्टेशन को फोन किया तो पुलिस तुरंत मौके पे आई। मौके पे आकर उन्होंने मौके का जायजा लिया। जायजा लेकर उनसे मालूम किया तो बोला कि हम ठीक है, इसकी इंक्वायरी मालूम करते हैं। इसी के बीच में हम लोगों ने डाउट हुआ हमें कि तो हमने हाथों हाथ नगर निगम को फोन किया। नगर निगम ने हाथों हाथ सैनिटाइजर की मशीन दी है और मशीन भिजवा कर पूरा कॉलोनी को सैनिटाइज करवा लिया है। हम लोग खाली इतना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं ये इस तरह के लोग जो कोटा में खराब वातावरण पैदा करना चाहते हैं इसका ध्यान रखा जाए और लोगों में सतर्क रहे, यही हमारी इच्छा है। दिनांक 12 तारीख को वल्लभवाड़ी में कुछ मकानों के बाहर में कुछ महिलाएं थूक कर और गंदगी फेंक कर चली गई थी, जिस पर SP साहब ने एक स्पेशल टीम का गठन किया जिसमें साइबर सेल इंचार्ज और उस थानाधिकारी को रखा। हमने आज CCTV कैमरे और आज सूचना से 5 महिलाओं को उस घटना में गिरफ्तार किया है, जो सभी कुनाड़ी की रहने वाली बावली जाति की महिलाएं हैं, जिनमें श्रीमती माला, श्रीमती अनारिया, श्रीमती दुलारी, श्रीमती आशा और श्रीमती चंदा हैं। ये महिलाएं भीख मांगने का कार्य करती हैं और जहां इन्हें भीख नहीं मिलती है वहां पर गंदगी वगैरह फेंक कर चली जाती हैं। जाँच से यह पाया गया है कि यह कोरोना संक्रमण को फैलाने की घटना नहीं है और यह इनके द्वारा भीख मांगने पर भीख नहीं देने पर ये किया है, इन्हें सक्षम न्यायालय में पेश किया जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।